दिस इज़ उमेश अरोड़ा फ्रॉम कैट कैम सोल्यूशन मेरठ, और आज हम लोग कैटिया में ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला ये डिज़ाइन हम लोग बनाने वाले हैं। और इसको बनाने के लिए मैं यहाँ से टॉप से स्टार्ट कर सकता हूँ और या आप फ्रंट से भी ले सकते हैं, दोनों से कोई से भी आप इश्यू नहीं है, आप ले सकते हैं। तो ये इसका टॉप व्यू है, ये फ्रंट है और ये साइड है, और फ्रंट में इसका सेक्शन ए पी कटा हुआ है, ये देखिए यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे फ्रंट व्यू से। तो कैटिया में जाऊंगा और यहाँ से मैं पार्ट डिज़ाइन लेता हूँ। और यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ और यहाँ से स्केच लेते हैं, और स्केच लेके इस वाले प्लेन पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसे बनाना शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, ये ओरिजिन है, ये मेरे बहुत काम का है, तो मैं इसी से ही शुरू करूँगा। यहाँ से लेते हैं और क्लिक, और ये डिस्टेंस कुछ है हमारी 110 के आसपास, तो मैं 110 के आसपास रखता हूँ। फिर ऊपर चलेंगे, इधर जाइए ऊपर और इसको मिला लेते हैं। बनाते हुए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपके ये दोनों कंस्टेंट जो है, ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट और डायमेंशनल कंस्टेंट दोनों आपके ऑन रहने चाहिए। इसे फिट कर देते हैं और यहाँ से लेता हूँ मैं कंस्टेंट और इसकी डायमेंशन कर देते हैं क्लिक। ये है हमारा 40 और इधर आ जाते हैं, ये लाइन जो है ये है 20 और टोटल है ये 100 कर दीजिए। और ऊपर का जो ये वाला गैप है, ये है हमारा यहाँ से 20 40 ले लेता हूँ मैं, क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा, तो इसे 40 ले लेते हैं। तो फर्स्ट स्केच मेरा कुछ इस टाइप से बना हुआ है, तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसा बना दिया है। अब इसे करते हैं यहाँ से हम एग्ज़िट और इसे एक्सट्रूड कर लेते हैं, और ये है 60, तो आपको इधर से लेना है 30 ले लीजिए और मिरर एक्सटेंड कर देंगे, इससे बोथ साइड ये सिमेट्रिकली एक्सटेंड हो जाएगा, ये देखिए। फिर इधर से राउंड करने के लिए यहाँ से आता हूँ मैं राउंड, राउंड के अंदर मेरे पास यहाँ पे ट्राई टेंजेंट फिलेट, इसमें फर्स्ट फेस ये है, घुमाइए, अपोजिट फेस ये है और फिर बीच का और क्लिक, तो ये गोल हो जाएगा। ठीक है, फिर मेरे को क्या करना है, ये कुछ कट है यहाँ पे और यहाँ पे, तो ऊपर वाले पे जाते हैं और स्केच करता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ से लेता हूँ मैं एक एलोंगेटेड होल, एलोंगेटेड होल लेंगे और यहाँ से इधर और क्लिक, इसकी डायमेंशन कर दीजिए डबल क्लिक। ये 13 का डाया है तो ये हो जाएगा 6.5 और लेंथ जो है इसकी वो है 20 क्लिक, और ऐसे कर देते हैं 20। और इसका जो ओरिजिन है वो इसके सेंटर पे है, तो हम इसे और कंट्रोल के साथ बाहर वाले को दोनों को सिलेक्ट करते हैं और को सेंट्रिक कर देते हैं ताकि जो है हमारा सेंटर पे आ जाए, और इसे कर देता हूँ मैं कट और ये मेरा कटिंग हो जाएगा, ये मेरा सेकंड स्टेप कंप्लीट है। फिर मैं आता हूँ और मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए और एक नीचे वाला चाहिए, तो मैं इस वाले फेस पे जाता हूँ और स्केच लेते हैं और यहाँ पे मुझे ड्रॉ करना है एक लाइन, तो इसे क्लिक करके मैंने प्रोजेक्ट करा लिया ताकि एक लाइन मेरे पास यहाँ ड्रॉ होके आ जाए। और इस वाले पे मैं बनाने वाला हूँ कुछ ये ऊपर वाली शेप जो है ना, ये वाली यहाँ पे आपको शो भी हो रही है, बाकी ये अंदर की तरफ टेपर जा रही है। तो यहाँ से मैं लेता हूँ क्लिक और शेप है जो वो है यहाँ से ऊपर, फिर थोड़ा सा इधर और फिर ऊपर एक, और ये ऊपर की, चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ अभी नहीं, और फिर लेते हैं यहाँ से प्रोजेक्ट और ऊपर की लाइन जो है इसे भी मैंने प्रोजेक्ट करा दिया। और ये है यहाँ पे कुछ ट्रिम, मेरे को ये नहीं चाहिए, मैंने इसे कट कर दिया है। अब डायमेंशन ले लेते हैं, बाकी मैं मिरर करने वाला हूँ, तो ये जो है और ये लाइन जो है, ये गैप 8 का हाफ हो जाएगा 4, और सेकंड देखिए ये जो है क्लिक, इसे लेके आता हूँ इधर, ये है हमारा 4 और ये जो लेंथ है इसे क्लिक करिए, ये ऑटोमेटिक 16 आ रही है,
जबकि ये इसे टच नहीं होना है, है ना। ये जो बता रहा हूँ ये हमने टच कर दिया नीचे से, जबकि ये टच नहीं है, ये एक थोड़ा सा करेक्शन है। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ और इसे डबल क्लिक करते हैं और ये है मेरा 10। और फिर डायमेंशन लेके ये जो है मिडिल वाले के साथ क्लिक, और ये गैप हो जाएगा मेरा, ये दे रखा है यहाँ पे 30, तो 15 हो जाएगा ये गैप। और नीचे से पहले मिरर कर लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे मिरर है, ये मिरर, मिरर में मैं इसे इन तीनों लाइन को मिरर करना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू दिस, और मिरर आ चुका है। और ये तो यूजलेस है ना, आप इसे या तो कर दीजिए कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में कन्वर्ट। और एक लाइन लेते हैं और यहाँ से मैंने एक लाइन बना दी जो कि डार्क होनी चाहिए, और इसको हम कर देते हैं ट्रिम 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 ट्रिम। और ये जो पोजीशन बैठेगी ये लाइन, ये होगा हमारा 4, ये 4 हो गया है। और फिर ट्रिम लेते हैं, ये एक्स्ट्रा मुझे नहीं चाहिए, इधर से भी ये नहीं चाहिए, और यहाँ से फिनिश कर देते हैं, ये आ गया है। अब इसे हम करना चाहते हैं टेपर, तो इसको हम करते हैं यहाँ से एक्सट्रूड, एक्सट्रूड करेंगे रिवर्स साइड, ऐसा आ जाएगा। और इसे मैं लिमिट 1 को ड्रैग करके थ्रू आउट कट करके ओके कर देते हैं, लेकिन ये करना है हमें कट, कट कर रहे हैं ऐसा। जब कट करेंगे तो एक बार देख लीजिए कैसा आ रहा है, ऐसा कट हो रहा है, ठीक है, ओके कर देते हैं। फिर यहाँ पे जो है दो फेस जो हैं, ये साइड के जो दोनों फेस हैं इस पे ड्राफ्ट है, तो मैं यहाँ से ड्राफ्ट लेता हूँ। ड्राफ्ट में फेस टू ड्राफ्ट एक ही फेस है जिसको ड्राफ्ट करना है, न्यूट्रल प्लेन मेरा ये वाला रहेगा और एंगल रहेगा 6 का। और फिर 6 टेबल हो गया है। सिमिलरली इधर भी मेरे को चाहिए, यहाँ से रहते हैं ड्राफ्ट, इस फेस को ड्राफ्ट करना है, ड्राफ्ट फेस ही रहना चाहिए। और ओके देखिए ये आ गया हमारा, ऐसे आप टॉप से चेक करना चाहते हैं टॉप से करिए, ऊपर से टेबल आ गया 12 की 6 इधर 6 इधर और बीच में सीधा और इधर का 30। ये जो स्केच है अगर आपको डाउट लग रहा है तो हम चेक कर लेते हैं एक बार, जो सेकेंड वाला स्केच था इसका स्केच देखिए मैच हो रहा है, 30 है, बाकी टेबल उधर की तरफ चला गया है। चलिए इसे तो मैं हाइडी रहने देता हूँ और इधर लेते हैं। अब हमारे पास है दो होल ये हैं, इसे लेना है और एक नीचे का स्लॉट कट करना है, तो पहले मैं नीचे के स्लॉट के लिए ही लेता हूँ। और यहाँ से लेते हैं स्केच, फेस को सिलेक्ट करेंगे और नीचे से ही स्टार्ट होना है, तो प्रोजेक्ट करा देते हैं और लाइन ले लेंगे यहाँ से क्लिक क्लिक और मिडिल तक, बाकी जो है मिरर अबाउट दिस, और लीड कर दीजिए जो भी एक्स्ट्रा लग रहा है। अब डायमेंशन कर देते हैं, डायमेंशन है ये पॉइंट और ये पॉइंट, क्लिक और ऊपर लेके जाइए और ये है 25, ये 25, ये तो बहुत बड़ा बैठ गया। खैर फिर मैं लेता हूँ एंगल इसके और इसके बीच का, क्लिक डबल क्लिक करते हैं और ये जो एंगल है हमारा रहेगा 10 डिग्री का, तो मैं अंडू 90 + 10 100 हो जाएगा, तो इसे कर दीजिए 100 100 और इधर भी 100 हो चुका है। और सिर्फ हाइट है, हाइट को लेता हूँ मैं क्लिक, ये जो लाइन है इसे लिया और ये राइट क्लिक करेंगे और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मेजरमेंट और क्लिक, और ये होना है हमारा 8, और इसे कर देते हैं फिनिश। ये मेरा स्केच हो चुका है और इसे कर देते हैं कट, और कट में यहाँ पे मेरे पास है अप टू लास्ट और क्लिक ओके, ये मेरा कट हो गया, देखिए ये मेरा बन गया है। अब लेंगे हम यहाँ से इसका टॉप, टॉप वाले फेस पे जाएंगे और यहाँ पे स्केच कर लीजिए या होल डायरेक्ट भी है, आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, तो देखते हैं इसको। अब बात आती है होल की, तो मैंने एक सर्कल ले लिया और सर्कल को मैं
देखिए, एक तो पोजीशन ठीक नहीं रहेगा, पोजीशन आपकी ठीक करना चाहते हैं, मतलब ओरिएंटेशन मेरा ऐसा हॉरिजॉन्टली जा रहा है और इधर वर्टिकल आ गया, तो आप एग्जिट करिए, मैं आपको इसका भी तरीका बता देता हूँ। यहाँ से जाएंगे और ये लीजिए पोजीशन और क्लिक करते हैं। अब देखिए आपको वी किधर जा रहा है, एच किधर, वी वर्टिकल डायरेक्शन है, एच हॉरिजॉन्टल है, तो स्वैप कर देते हैं, पहले रिवर्स हो जाएगा और वर्टिकल को रिवर्स कर दीजिए और ओके, बिल्कुल सेम ऐसा ही आएगा, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। और यहाँ सर्कल लेते हैं और देखिए ये सर्कल तो ले ही रहे हैं, साथ में मेरे को ध्यान आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आ रहे हैं तो, क्योंकि कैटिया के अब मैं काफ़ी सारे ट्यूटोरियल बना के डालने वाला हूँ, तो अभी तक तो जो हमारे थे वो पुराने ही थे, अब मैं इसके अंदर जो है नए वीडियोज़ हैं वो भी अब डेली डालते ही रहूँगा इसके अंदर, तो चैनल के साथ हमारे जुड़े रहिएगा। ये गैप है 45 का, तो उसे कर देते हैं 45 क्लिक, और इधर से 20 है, डबल क्लिक और ये हो जाएगा 20, और इसे कर देते हैं फिनिश। इसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है, क्लिक, और ये होल जो है ये भी मेरा कट है और कट है अप टू लास्ट और ओके। सो इस टाइप से कुछ बना हुआ आ जाएगा फिट, यहाँ से कर सकते हैं। डिफॉल्ट ओरिएंटेशन ये है मेरा, प्लेन अगर नहीं चाहिए तो तीनों प्लेन को क्लिक किया और हाइड कर देता हूँ, और पार्ट बॉडी में जाके प्रॉपर्टी ग्राफिक में यहाँ से आप कलर असाइन कर सकते हैं जो भी आपको लगता है, बस रेड को आप छोड़ दीजिएगा, रेड के अलावा जो भी आपको सूटेबल लगे आप वो ले लीजिए, अप्लाई कर दीजिए ओके और आ जाएगा। तो हो फ्रेंड्स, आपको ये वाला ट्यूटोरियल भी मेरा प्रॉपरली समझ में आएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल।